कर लो, सत्संग नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, सत्संग सार है। कबीर ने कहा, नानक रैदास ने, जितने महात्मा फकीर आए सबने तौबत पर सत्संग पर जोर दिया। और आपको भी यही बात बराबर बताई जा रही है कि सत्संग सार जगत, उसे अपनाए रहो, पकड़े रहो, सुनने के लिए भागते रहो, बुलाते रहो। जब कभी सत्संग का समय आए, अपने सब कामों को छड़े समय के लिए छोड़ दो। इन कामों के छोड़ने से नुकसान नहीं, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा तो सर्वस्व नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सत्संग बार बार नहीं मिलता। न मालूम किस जो गली में मिल गया, उस गली को चूकना नहीं चाहिए। तो आज हम सब इसी सत्संग के लिए इतने इच्छुक लायक और प्यासे, प्यास लेकर आए सत्संग की, पानी सत्संग का जल पी रहे। और सब लोगों को ये दृढ़ता आ रही, भाव आ रहा, भाव जग रहा, बुद्धियों में विवेक हो रहा, अपने अपने गुनाहों की, पापों की अपने मन से बराबर प्रार्थना करने लगे कि हमको क्षमा किया जाए। अगर ऐसी हमारी क्षमा याचना प्रारंभ मन से होने लगी कि हमको क्षमा कर दिया जाए, तो वो बड़ा दयालु है। आपकी ऐसी आतुर और दीन प्रार्थना पर, दारुण प्रार्थना पर मालिक जरूर दया कर देता है और आपके गुनाहों को, आपके पापों को क्षमा करता है। इसलिए सबने कहा है कि अपने कसूरों की बराबर अंदर और बाहर याचना करो, कोई ना कोई सामान क्षमा करने का आपके लिए बना देगा। और हम सब जो लोगों ने पहले बताया था कि एक वक्त और एक जमाना आगे चल करके ऐसा आएगा कि सब लोग सत्संग की प्यास लगेगी, सब लोग सत्संग के लिए दूर दूर से, गांव गांव से दौड़ेंगे। आपने थोड़े दिन पहले बड़ी बात अपनी आंखों से देखा कि जिन सत्संगियों ने उत्तर प्रदेश के 6 अक्टूबर से दौरे में, गांव गांव में जो सत्संग हुआ देहातों में, जब मैंने उनसे पूछा कि तुम कहां से आए हो, तो 20-20 मील से लोग पैदल चलकर, सवारी से चलकर, साइकिल से चलकर, बैलगाड़ियों से चलकर, जब सत्संग जल को पीने के लिए नर नारी में बाल बच्चों के आए, अपने अपने क्षेत्रों में एक नवीन, एक नया दृश्य देखने को मिला। कितनी आतुरता थी, कितनी करुणा थी, कितनी गंभीरता थी, ऐसा मालूम होता था कि वास्तव में इनको बहुत बड़ी भूख लगी हुई है, बहुत बड़े प्यासे हैं, व्याकुल हैं। और किस शांति के साथ, किस भाव के साथ वो उस मैदान में बैठते थे, ये देखने की चीज थी। वो आपको एक छोटा सा दृश्य मिला देखने को। और वो समुदाय जो जगह जगह पर उपस्थित थे, दृश्य में मिला, वो कोई छोटा मोटा समुदाय नहीं दिखाई देता था। भारी संख्या का समुदाय, स्त्रियां बच्चे जब सत्संग सुनते थे बड़े गदगद होकर, मैं तो ऐसा देखता था कि किस प्रकार से हाथ जोड़कर नारियां, गांव के ग्रामीण लोग और छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़ करके बैठते थे। जब तक सत्संग समाप्त नहीं होता था 1.5 घंटे 2 घंटे का, तब तक देवियां और बच्चे इस तरह से हाथ जोड़ जोड़े बैठे रहते थे। ये नए लोगों को किसने सिखाया था, किसने गांव में आने वालों को रास्ते में बताया कि तुम वहां जाना, किस तरह से हाथ जोड़ करके बैठ जाना, ये नारियों को, बच्चों को किसने नहीं सिखाया था। ये हमारी भारत की धर्मभूमि की देन है, ये हमारे यहाँ का खजाना है कि हमें कैसे देखना है, हमें कैसे बैठना है, हमको कैसे प्रणाम करना है, हमें कैसे सुनना है,
ये हमारी इस जमीन में विशेषता है, यहाँ के कण घर में ये ठीक है कि हमने ऊपर के कण को खराब कर दिया, तो जिन कणों को खराब किया है उन कणों को उठा और महात्मा शुद्ध कर देंगे। और जिस भूमि पर जब हम उन कणों पर चलेंगे वो कण उड़ करके हमारे अंगों में लगेंगे तो हमारे अंगों को निर्मल और पवित्र और सात्विक कर देंगे। हमारे अंदर सात्विक भावना जिस प्रकार से धूल अलग हो जाती है, कपड़े से हट जाती है, कपड़ा साफ स्वच्छ सफेद दिखाई देता है, इसी तरह से हमारे मन पर बुद्धि पर चित्त पर अंतःकरण पर जीवात्मा पर जमी हुई धूल जब हट जाएगी तो हमारे भाव वो होंगे कि समुद्र क्या है, क्या दरिया उसके सामने है, क्या उसके सामने कोई रोशनी और अग्नि है, कुछ नहीं, कोई भी उसके सामने मुकाबला नहीं करती है। ये चीजें जो देखने को आपको अद्भुत मिली, जिन लोगों ने आकर के पीछे खड़े होकर के देखा तो वो भी इस बात के लिए मान गए, सहमत हो गए, उनमें भी शर्म आ गई, वो भी पहल गए, एकदम के उनके दिल पर भी धक्का लग गया, उन्होंने भी ये समझा कि वास्तव में हमें केवल एक आदमी नहीं, इंसान नहीं, मनुष्य नहीं है, ये भी तमाम इंसान मनुष्य हमारी तरह से बैठे हुए हैं। हम ठीक है कि हम चालाक अपने को समझते थे, लेकिन ये भी उसी तरह के आदमी इंसान है, उनके दिलों के ऊपर भी हृदय पर जबरदस्त असर और धक्का लगा। और जितने भी सत्संग हमारे हुए हैं, लगभग करीब 52 सत्संग जो बड़े भारी उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में हुए हैं, उनमें किसी भी सत्संग में हमारे कोई बिगड़ बाधा किसी प्रकार का भी नहीं हुआ। ये एक नई चीज लोगों के सामने आई, जो हम पहले कहा करते थे कि आपको एक दिन देखने को मिलेगा, एक दिन आपको सुनने को मिलेगा, एक दिन समझने को मिलेगा, एक दिन फिल्म उभरता हुआ लोगों के सामने आएगा, अभी किस शकल में है और फिर उसकी शकल क्या हो जाएगी, उसका दृश्य क्या होगा। मैंने कुछ देर पहले आपको ये सब बातें याद कराई थी। मैं तो आपको भारत में रह करके ये सब बातें समझा रहा हूँ, लेकिन हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हम अपने लोगों को ये बात सुना लें, समझा लें, अपने लोगों में जो बर्तन खाली हो गया है, जिस खाली बर्तन में जो चीजें आपने भर रखी है और जिस बर्तन में अनेक प्रकार की व्याधि उत्पन्न हो गई है, उस बर्तन को खाली कराकर और अच्छी चीज को जरा भर जाने दीजिए, तो आप तो आप हैं, आप तो धर्म भूमि के स्वाभिमानी, आपका तो ये धन है ही, लेकिन आपके धन को पाने प्राप्त करने के लिए तमाम बाहर के मुल्कों के लोग भी बात करके चले आएंगे और तुम्हारी बात सुनने के लिए वहां तक हो जाएंगे। वो लोग ये कहेंगे भारत देश बहुत ही निर्मल पवित्र और शांति का और शुद्धता का और चरित्र और सदाचार और सम्मान और अध्यात्मवाद का देश है। ये आपको उन लोगों के द्वारा सुनने को मिलेगा जिन देशों में धर्म नहीं है, जिन देशों में धार्मिकता नहीं, जिन देशों में धर्म की जमीन और राजकोट नहीं है, उन देशों के लोग आपके पास आएंगे और आप उनको अपनी बात अपने देश की और अपने देश के धर्म अध्यात्मवाद और मुक्ति और कल्याण की बात उनको सुनाएंगे। लेकिन हम सब लोगों को पहले बन जाना, तैयार हो जाना, अपने लोगों को ठीक हो जाना कि हम अपने ठीक होने के बाद अपनी चीज दूसरों को बहुत साफ स्पष्ट और शुद्धता से उनको समझा सकें और दे सकें। जब तक हम अपनी चीज को नहीं समझते हैं तब तक ना हम समझा सकते हैं ना हम दे सकते हैं। ये भारत का धन है, ये यहाँ हम सब लोग उसके अधिकारी हैं, मानव मात्र जन्म जात के। जब हम अपने उस परम धन के जन्म जात के अधिकारी हैं तो हम लोगों को अपने अधिकार का धन मानव मात्र मनुष्यों को प्राप्त कर ही लेना चाहिए, क्योंकि महात्मा कबीर तो सबको ही देते हैं,
वो तो कोई किसी के लिए मुट्ठी में कम और बेची नहीं, सबको अपनी झोली में से बराबर बराबर वितरण करना चाहते हैं, लेकिन तुम अपनी झोली में जितना ले सको रख सको। तुमने अगर जरा सी झोली बना ली तो जितना बनाओगे उतना ही तो रखा जाएगा। अपना बर्तन जरा बड़ा बना लो, ज्यादा ले लो, ये तो क्षमता आप में होनी चाहिए। देने वाले में क्या हो, तो समुद्र है तो देता ही है, वहां समुद्र कभी रहता नहीं तो देता ही रहेगा, लेकिन आप उसको रख सको न रख सको, लोटा लेकर जाओ कटोरी।